हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी एक प्रिंसेस कट ब्लाउज जिसका बाजू ग्लास हैंड रहेगा। पहले बताती हूँ इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए कितनी अस्तर या कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास जो कपड़ा है यह है 85 सेंटीमीटर। अब इस 85 सेंटीमीटर में ही मैं इस ब्लाउज़ की ड्राइंग करूँगी। ये ब्लाउज़ 34 चेस्ट का बनेगा। ये देखिए, मैंने बैक पार्ट की ड्राइंग करने के लिए कपड़े को 2 फोल्ड में कर रखा है। छाती है 34, यानी 8.5 इंच का चेस्ट और 7.5 इंच का कमर। इसकी कटिंग करने के लिए पहले हम कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में पहले बैक पार्ट की कटिंग होती है, उसके बाद सामने पार्ट की। ये देखिए, हमारा चेस्ट जो है वो 34 का है। याद रखना है, 34 का चेस्ट होता है तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 8.5 इंच। अगर चेस्ट 8.5 होगा तो कमर होगा 7.5। इसीलिए सबसे पहले कमर की मेज़रमेंट हम लेंगे 7.5, यानी 7.5। लंबाई हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस ब्लाउज़ को 13.5 इंच में तैयार करना है, इसीलिए हम 14 से 2 सूता ज़्यादा यानी 14.2 इंच पे मार्क करेंगे। कंधे से 6 इंच डिप आएंगे। डिप आने के बाद चेस्ट लाइन लेंगे 8.5 इंच। ये कमर का पार्ट है 7.5 और चेस्ट की पार्ट है 8.5। इस लाइन को पहले मिला देंगे। कंधा के लिए लेना है 5 इंच। इस लाइन को भी स्ट्रेट मिला लेना है। देखिए, आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच शेपिंग में रखते हुए इसे यूं कर्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो ड्राइंग है ये हमारे फिटिंग माप पे है। अब इस फिटिंग माप से हमें रखना है एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 से 2 इंच। हम 2 इंच के मार्जिन रखते हुए साइड में कपड़ा छोड़ देंगे। ये हुआ हमारा बैक पार्ट का ड्राइंग। इसमें गले की ड्राइंग करने लिए 2 इंच का नेक कट, डीप हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। बैक पार्ट का जो हुक पोर्शन है उसे 5 इंच में हम ड्रॉ करेंगे। इसे 4.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि हमें गला बड़ा लेना है। यह सिल्क के 3.5 इंच में स्टैंड हो जाएगी। गले की ड्राइंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमें डीप राउंड गला करना है। आप कोई भी डिज़ाइन इस पर ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हमारा बैक पार्ट का ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। लाइन के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। इस बैक पार्ट में हमारा बैक हुक होगा, यानी ये पोर्शन कट जाएगा। इसे हम बाद में भी काट सकते हैं और अभी भी काट सकते हैं। अब सामने पार्ट की कटिंग करने के लिए फिर से कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। इस वक्त ध्यान रखना है कि पीछे के पार्ट से सामने का पार्ट जो है वह 1 इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए। यानी कपड़े को जब बैठा रहे हैं तो इस साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए और किसी भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी ड्राइंग प्रॉपर होगा। यहाँ से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिए हैं। अब रही सामने की गले की ड्राइंग। सामने का गला आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि लेडीज़ ब्लाउज़ का जो गला होता है वो 6 से 6.5 इंच के अंदर ही होना चाहिए। हम यहाँ पे 6.5 इंच लिए हैं। सामने का गला भी गोल ही रखना है, इसीलिए हम सामने के गले में भी गोल डिज़ाइन ही कर रहे हैं। इस तरह से सामने के पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारा सामने का पार्ट हो गया। मैं पहले बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की जो टेकिंग लाइन है वो बनाना दिखा देती हूँ, उसके बाद बाजू की ड्राइंग करूँगी। ये देखिए, ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में एक खुले हिस्से में बटन पट्टी और हुक पट्टी लगेगी और बैक साइड में एक टेकिंग। टेकिंग के लिए आप बटन पट्टी से 5 इंच के डिस्टेंस में टेकिंग लगा सकते हैं। टेकिंग का हाइट जो होता है 4 से 4.5 इंच का ही होता है। इस तरह से 2 टेकिंग लगेंगे, एक बाएं तरफ और दूसरा दाहिने तरफ, यानी ये पार्ट कुछ इस तरह से स्टैंड होगी। ये देखिए जो, और ये जो, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में एक टेकिंग यहाँ पड़ेगी और एक टेकिंग यहाँ। इसमें बटन पट्टी और इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। इस तरह से पीठ का पोर्शन रेडी हो जाएगा। और सामने के पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्रिंसेस कट की टेकिंग लगाएंगे। प्रिंसेस कट की टेकिंग लगाने के लिए हमें क्या करना है, मिडिल पोर्शन से यानी क्लोज पार्ट से 3.5 इंच साइड जाना है, उसके बाद 4 इंच की हाइट में एक ड्राइंग करनी है। ये आर्म होल की गोलाई का जो मिडिल पोर्शन है उसमें इसे कर्व करके मिला देंगे। बस इसी तरह से हमारा प्रिंसेस कट की ड्राइंग होती है। इस जो ये जो मार्जिन है इसको बैक साइड में भी ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इसके ऊपर से इस तरह से पेस्ट कर देंगे ताकि चौक का जो मार्क है वो इस कपड़े पे भी आ जाए। ये देखिए, ये मार्क इस पे भी दिखेगा जिसे आपको डार्क कर लेना है। ये सामने का पार्ट जो है इसका जो टेकिंग है कुछ इस तरह से लगते हैं। इस कपड़े को यूँ पकड़ेंगे, यहाँ पे 1 इंच लेंगे और सिलते सिलते मिडिल तक 0, फिर 0 से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1/2 इंच में यहाँ बाहर निकल जाएंगे। सेम इसी तरह यहाँ 1 इंच का टेकिंग लेंगे, सिलाई करते हुए टेकिंग को डालते हुए 0 में आएंगे, फिर 0 से बढ़ाते हुए यहाँ पर 1/2 इंच में। इस तरह से क्या होगा, सामने का जो बॉडी है प्रिंसेस कट का वो एक्सप्लोर हो जाएगा, यानी सामने का जो चोली पार्ट है वो हमारा तैयार हो जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ किस तरह से बाजू की ड्राइंग करेंगे। बाजू को ड्राइंग करने के लिए पहले तीपा पार्ट को मापेंगे। ये देखिए, ये जो कॉर्नर पॉइंट है दोनों को मापे हमने, ये है 8.5 इंच। ये 8.5 इंच ही होता है तीरा, तीरा से ही बाजू का ड्राइंग होता है। जैसे बचे हुए कपड़े में पहले हम 4 फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें ग्लास हैंड करना है इसीलिए मिनिमम 10 इंच कपड़ा का हाइट लेंगे। ये देखिए, तीरा था 8.5 इंच जिसमें हम 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे, यानी 9 इंच की चौड़ाई में इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है। बाजू की लंबाई हमें लेना है 10 इंच, तो 10 इंच पे मार्क किए। ऊपर से 3 इंच की डिप उतरते हुए तीरा लाइन लेंगे 9 इंच का। बाजू का जो मोहरी पार्ट था वो था 10 इंच यानी 5, उसमें 2 इंच मार्जिन रखेंगे यानी 7 इंच। नॉर्मल बाजू जिस तरह से ड्रॉ करते हैं इस बाजू को भी उसी तरह ड्रॉ करेंगे। देखिए, ऊपर पार्ट से गोलाई से लेते हुए तीरा पार्ट में से जोड़ लेंगे। ये हमारा बाजू का कटिंग हो गया। इस बाजू में एक शेपिंग डालना है, जो शेपिंग पार्ट बॉडी के सामने पार्ट में ऐड की जाती है। देखिए, बाजू किस तरह से जब हम खोलेंगे इस पार्ट में या इस पार्ट में, किसी भी एक पार्ट में एक शेपिंग लाइन डालनी है। कभी भी आप बाजू ड्रॉ करो तो इस चीज़ को ध्यान में दो कि विदाउट शेपिंग जो भी बाजू आप बॉडी पे लगाओगे वो आपके बॉडी पे फिटिंग लाने में दिक्कत करेगी। जैसे कि ये हमारा बॉडी का सामने पार्ट है, जब इसमें हम पीसेस कट का टेकिंग लगा लेंगे, बैक पार्ट को जब इसके साथ जोड़ देंगे, मान लीजिए ये हमारा बैक पार्ट इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो हमारा आर्म होल इस राउंड में आएगी, और ये बाजू का शेपिंग पार्ट है, ये हमारा शेपिंग पार्ट है। इस पार्ट को सामने की ओर रख के ही जोड़ना है, कभी भी गलती से इस तरह से नहीं जोड़ना है। यानी शेपिंग का पार्ट अगर बैक साइड में आ जाएगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग आपका बिगड़ जाएगा। उम्मीद करूँगी दोस्तों ये वीडियो, ये जो प्रिंसेस कट की कटिंग है इसकी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल भी होगा। मैं जिस तरह से बताई हूँ उस तरह से आप इस ब्लाउज़ की कटिंग
करने की कोशिश करें और उम्मीद करूँगी कि आपकी ये जो कटिंग है वो सक्सेसफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।